रीवा सोहागी पहाड़ बाईपास में दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 14 लोगों की मौत और 41 लोग घायल। इस कार में मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बस और ट्रेलर की टक्कर में यूपी के 15 यात्रियों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा यात्री घायल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा इतना भीषण था कि 4 से ज्यादा लोग बस के अगले हिस्से में फंस गए। इनके शवों को जेसीबी से काट कर बाहर निकाला गया। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बस के अगले हिस्से को ज्यादा नुकसान हुआ है। रफ्तार ज्यादा तेज होने से यह ट्रेलर में घुस गया था। इससे बस के केबिन और फ्रंट सीट पर बैठे यात्रियों की मौत हुई है। 40 घायल यात्रियों को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है, कुछ को त्योंथर अस्पताल ले जाया गया। उधर एसपी नवनीत भसीन ने बताया ट्रेलर के सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आशंका है कि ट्रेलर भी आगे जा रहे वाहन से टकराया होगा। ट्रेलर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाए होंगे, इतने में पीछे से आ रही बस उसमें घुस गई। ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। हालांकि हादसे की वजह का पता नहीं चला। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की, उन्हें हादसे और रेस्क्यू के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि घायलों के बेहतर इलाज एवं मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान प्रयागराज भेजने के निर्देश रीवा प्रशासन को दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बने रहे खबरदार न्यूज के साथ।